हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आप कच्चा नल यूनिट गुरु जी। मैं हूं गुलाब। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आया हूं जो बिल्कुल DSLR की जैसा काम करता है। तो उसका नाम भी है DSLR कैमरा। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो देखिए, जैसे मैं कैमरा ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये ओपन होने के बाद कुछ चीज़ें मांगेगा, ठीक है। तो करना क्या है, ये जो आपको AF दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट जो है वो एडजस्ट करना है, ठीक है। आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा फोटो दिख रहा है जो मैंने अभी क्लिक की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये ऑटो WP है, ठीक है। तो आप उसको जैसे आप रखना चाहें वहाँ पे आप रख सकते हैं। फिल्टर्स जो है लगे हुए हैं, जैसे आपको फिल्टर चाहिए ओरिजिनल है, तो सजेस्टेड फिल्टर है, जैसा आप यूज़ करना चाहें आप वैसा यूज़ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो जैसा भी आपको पसंद है, मैं फ़िलहाल इसको ऑटो रखता हूँ। इसे कैसे यूज़ करने का वैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ लाइटिंग्स हैं जो दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है, तो उसके बाद ये है नाइट लैंप है। तो मैं इसे यूज़ करके बताता हूँ कैसा करना है, तो ठीक है। तो मैंने जब से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो एक डॉल का जूता है, तो इसे हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये कैसा एक लग रहा है भत्ता सा, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे AF के थ्रू इसे एडजस्ट कर पाऊँगा, ठीक है, जैसा मुझे चाहिए, जितना मुझे चाहिए हम उतना रख सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरा ये ऑब्जेक्ट सेट होगा, इसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करूँगा उसके बाद फोटो देखिए कैसे आती है। देखिए मैंने ये फ़ोटो क्लिक की हुई है, फ़ोटो देखिए कैसी आ रही है। आप इसे जूम कर सकते हैं और ये फ़ोटो की क्वालिटी देख सकते हैं DSLR से लेने के बाद में, जो नॉर्मल कैमरे की फ़ोटो होती है उससे कहीं भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे फिल्टर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, जैसे आप फिल्टर्स और भी हटाना चाहते हैं, देखिए ये फ़िल्टर कितना अच्छा लग रहा है, तो आप उस तरीके से फ़िल्टर्स लगा सकते हैं आसानी से। मैं इसे सेव करता हूँ और एक फ्रंट से फ़ोटो लेके बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए जैसे मैं इसको करके मैं ऑब्जेक्ट सेट करता हूँ जैसा मुझे चाहिए, जैसे हम DSLR वगैरह में करते हैं, तो इस एप्लीकेशन बहुत ही सारी चीज़ें जो हैं सिमिलर है, ठीक है। देखिए मैंने ये कर दी है, उसके बाद जैसे मैं ये फ़ोटो क्लिक करता हूँ तो फ़ोटो कितनी बेहतरीन लग रही है देखने के बाद में, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली मैं यहाँ पे फ़िल्टर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, जैसा मुझे चाहिए मैं वो कर सकता हूँ आसानी से। मैं इसे सेव करता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी हैं, फ्लैश हैं, डायरेक्टली आप फ्लैश वगैरह चीज़ें वाली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लैश जैसे मैं इसको फ्लैश में यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, इसकी वजह से ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ना। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ जैसा मेरे मोबाइल के हिसाब से कि ये क्लियर आए, ठीक है, देख रहे हैं, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट क्लियर होगा। देखिए ये फ़ोटो कितनी बेहतरीन लग रही है, अगर किसी ह्यूमन बींग की भी लेंगे तो फोटोज़ काफ़ी अच्छी। यहाँ पर बहुत सारे फ़िल्टर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा इस्तेमाल सकते हैं। देखिए ये नाइट मोड में है, तो ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसे, अगर आप थोड़े दूर में हैं तो आप इसे फ़ोटो को एडजस्ट कर पाएंगे आसानी से, कैसे भी जैसा करना है, ठीक है। यहाँ पे बाकी AR है असिस्ट में, अगर कुछ का आपको प्रॉब्लम आती है, अगर आपको 3D चाहिए, आप 3D बनाना चाहते हैं, तो आप ये 3D भी क्लिक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करनी, हम यूज़ कर पाएंगे आसानी से जैसा हमें चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक चीज़ है जो डिटेक्ट कर रहा है कि हमें 3D में कैसे चीज़ें चाहिए, इसके हिसाब से हम इसे अरेंज कर पाएंगे 3D बनाने, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको दिख रही हैं, ये ऐसे चीज़ें हो रही हैं, तो हिसाब से हम इसे बना पाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, बट आप इसे यूज़ करेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आप इसे कर सकते हैं। देखिए ये ऑटो है, नॉर्मली आप फ़ोटो ले रहे हैं तो फ़ोटो हम नॉर्मली ले सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए ऑटो WP है, बट यहाँ पे कुछ ये चेंज हो रही है जो टाइम के हिसाब से, ठीक है। बाद में आप मैनुअल कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर ISO जो है वो बढ़ा सकते हैं, जो इसकी लाइट बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो देखिए ये किसा, अगर आप अंधेरे में फ़ोटो ले रहे हो तो ये डल आ रहा है कि चलो ठीक है लाइट कम है। उसके बाद देखिए अगर इसे आप बढ़ाना चाहें तो आप इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसे आराम से आप बना सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम में जैसे ही आप चाहिए वैसे आप प्रोग्राम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए इतनी लाइट नहीं है घर में, बट फिर भी इतनी लाइट हम एडजस्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद मैं फ़ोटो जैसे क्लिक करना चाहूँ कर सकता हूँ, है ना। तो ये आसानी से फ़ोटो क्लिक हो गई,
ठीक है। तो ऑलरेडी देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बोला फिल्टर्स आ रही ऑलरेडी दिख रहा है। तो ये आईफोन है, तो ऐड सीरी कर सकते हैं आप डायरेक्टली, इसको देखने के लिए आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं ऑलरेडी, आप इसे यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको और भी चीज़ चाहिए तो इसके फ़ोटोज़ के थ्रू में आप बना सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट ऐप है, अगर फ़ोटोज़ के लिए चाहिए तो आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ोटो है। अगर मैं दोनों जोड़ी जूते एक साथ रखता हूँ, अगर उनकी फ़ोटोज़ लूँगा तो वो फ़ोटो भी काफ़ी बेहतर आएगी। ठीक है, तो मैं एक लेके बताता हूँ आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों जोड़ी जूते एक साथ में हैं। तो हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, पहले हमें कैसे चाहिए लाइटिंग वगैरह कि हमारा लाइटिंग जो है हमारा परफेक्ट हो। उसके बाद यहाँ पे WT बराबर है, तो मैं इसे नाइट मोड में रखता हूँ थोड़ा। ठीक है, ऑलरेडी ये खूबसूरत लग रहा है, बट इसे हम थोड़ा सा क्लिक करेंगे फ्लैश के साथ में, और इसे सेव करने के बाद हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं डायरेक्टली फ़िल्टर के थ्रू। ठीक है, तो फ़ोटो और भी बेहतरीन हो जाएगी देखने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम फ़ोटोज़ वगैरह सेव कर सकते हैं आसानी से। बाकी यहाँ पे एडिटर भी है, आप उसे एडिट कर पाएंगे। दिख रहा है स्टैंडर्ड है, हार्ड लाइट है, सॉफ्ट है, तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। बाकी प्रो है, प्रो में देखिए ये सब वीडियो है, फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी और भी अच्छी आती है, जैसे ओल्ड एज वाली है ना। तो वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ बताएं, और आसानी से फ़ोटो क्लिक करें और लोगों को शेयर करें। तो इसी के साथ मैं वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।